नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को चेक करना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर दोस्तों एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी साइड में दोस्तों 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है और उसकी जो सेकेंडरी साइड है वो सेकेंडरी साइड में हमें दोस्तों 12 वोल्ट एसी वोल्टेज मिलते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का यूज़ ज़्यादातर कम वोल्टेज की जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर डीसी वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में 220 वोल्ट एसी सप्लाई देने के बाद में जो ये इसकी सेकेंडरी साइड में 12 वोल्ट एसी सप्लाई मिलता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि रेक्टिफायर की मदद से जो 12 वोल्ट एसी उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर सही है या खराब है और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड प्राइमरी साइड और कौन सी साइड सेकेंडरी साइड है वो दोस्तों आज हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अब हम एक मल्टीमीटर को लेना है और दोस्तों मल्टीमीटर की जो रेंज है उसको दोस्तों ओम्स वाली रेंज जहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूटी दिखाती है वो रेंज पे सेट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं मीटर को ओम्स वाली रेंज पे सेट कर देता हूँ और दोस्तों इसको ओम्स वाली रेंज पे सेट कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो ये अभी मेगा ओम दिखा रहा है तो इसको हमें ओम्स में सेट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको ओम में सेट कर लेता हूँ और दोस्तों मीटर को कंटिन्यूटी वाली रेंज पे सेट कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की दो साइड में जो दो दो वायर दिए गए उसमें दोस्तों कोई एक साइड में के दो वायरों में जो मीटर के वायर है वो वायर को लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो एक ग्रीन कलर के वायर है वो ग्रीन कलर के वायरों में मीटर के वायर को लगा के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीटर के दो वायरों को जो ट्रांसफार्मर की एक साइड के दो ग्रीन कलर के वायर है उसमें लगाने पर दोस्तों कंटिन्यूटी आ रही है और दोस्तों इसमें 7.7 ओम्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की जो ग्रीन वायर वाली साइड है वो साइड सही है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर की एक साइड को चेक करने के बाद अब दोस्तों जो दूसरी साइड है जिसमें दोस्तों दो रेड कलर के वायर जुड़े हुए वो वायरों में हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड के दो रेड कलर के वायरों में मीटर के दो वायरों को लगाने पर इसमें दोस्तों कंटिन्यूटी भी नहीं आ रही और दोस्तों इसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी तो नहीं दिख रही है। ये साइड में अभी कंटिन्यूटी नहीं आता। दोस्तों हमें क्या करना है कि एक बार इस मीटर की जो रेंज है रेंज को किलो ओम पे सेट कर लेना है और दोस्तों किलो ओम वाली जो रेंज है वो रेंज पे सेट कर लेने के बाद में फिर से एक बार ये दो वायर में हमें मीटर के वायर को लगा के चेक। तो दोस्तों अब मैं मीटर को किलो ओम्स वाली रेंज पे सेट करके जो रेड कलर के दो वायर है दो वायरों में चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दो रेड कलर के वायर में मीटर की रेंज चेंज करने पर इसमें दोस्तों देखिए 0.472 किलो ओम्स दिखा रहे। तो दोस्तों इसका मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की ये रेड कलर वाली जो साइड है वो साइड भी सही है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो रेड वायर वाली साइड है उसमें दोस्तों ग्रीन कलर वाली साइड से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों जिस साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाई वो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड होती है और दोस्तों जो कम रेजिस्टेंस दिखाता है वो दोस्तों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड होती है। दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की दोनों साइडों में जब मल्टीमीटर चेक करते तब दोस्तों किसी साइड में अगर मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस ना दिखाए तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की वो साइड की जो कॉइल है कॉइल अंदर से ओपन होती है। तो अब दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को चेक कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की कॉइल अंदर से शॉर्ट नहीं है वो चेक करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें मल्टीमीटर कि रेंज को ओम्स वाली जो कंटिन्यूटी वाली रेंज है उस पर सेट कर लेना है और दोस्तों ये रेंज पे सेट कर लेने के बाद में जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है वहाँ से एक वायर लेना है और दोस्तों जो सेकेंडरी साइड है वो साइड में एक वायर लेना है और दोस्तों दोनों वायरों में हमें जो मीटर के दो वायर है दो वायरों को लगा के चेक करना है। अगर दोस्तों इस तरह से मीटर के दो वायर को लगाने पर मीटर में दोस्तों कंटिन्यूटी आती है तो दोस्तों जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो दोस्तों आप अंदर से शॉर्ट होती है और अगर दोस्तों मीटर में कंटिन्यूटी ना दिखाए तो दोस्तों दोनों कॉइल सही होती है। तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी के एक एक वायर को लेके मीटर से चेक करने पर मीटर में कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो दोस्तों इसका मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो शॉर्ट नहीं है। ये टेस्टिंग कर लेने के बाद दोस्तों लास्ट में अब हमें ट्रांसफार्मर का अर्थ टेस्ट करना है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का अर्थ टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो मल्टीमीटर के दो वायर है दो वायर में से एक वायर को कोई एक साइड के एक कॉइल के एक वायर के साथ में जोड़ना और दूसरे वायर को दोस्तों ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ में टच करना है और दोस्तों इस तरह से टेस्ट करने के बाद अगर दोस्तों मीटर में कंटिन्यूटी आती है तो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर अर्थ होता है और अगर दोस्तों इस तरह से चेक करने पर अगर दोस्तों मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी ना आए तो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में मल्टीमीटर से एक वायर को बॉडी के साथ में और एक वायर को कॉइल के वायर के साथ में टच करने पर दोस्तों मीटर में कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो दोस्तों इसका मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर बॉडी अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीमीटर की मदद से 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।